इस कब्रिस्तान के अंदर बोलिए या फिर इस मकबरे के नज़दीक बोलिए, टोटल जो है दो बड़े डोम्स हैं जिसमें हमको जाना है। सबसे पहले गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज अली, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में। तो गाइस, हम लोग आपको जिस तरह आप जानते हैं कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बुरहानपुर को, तो इस समय हम मौजूद हैं बुरहानपुर के एक ऐसी जगह पर, एक ऐतिहासिक जगह पर जो अपने आप में एक मिसाल है। ना कि सिर्फ मिसाल है बल्कि मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर वो शख्सियत दफन है, वो शख्स यहाँ का मकबरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसकी डायनेस्टी की बात करें तो तकरीबन उन्होंने बुरहानपुर पर 200 साल हुकूमत की है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ आदिल शाह और नादिर शाह की मकबरों की। तो हम लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं आदिल शाह और नादिर शाह के मकबरे के नज़दीक। हम लोग चलेंगे आगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। आपको बताना चाहूँगा गाइस, अब फिलहाल ASI ने इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं रखे हैं, आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। टाइमिंग की बात करें, जिस तरीके से बताना चाहूँगा इसका टाइमिंग की बात करें तो ASI ने इसे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का खुला रखा है। तो आप बात करें इसकी एंट्री गेट की, इस तरीके का ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला एक गेट है जिसके अंदर से आप आ सकते हो। जैसे आप अंदर आते हो आपको एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड आपको ASI साइट दिखाई देता है, एक मॉन्यूमेंट का जो है अच्छा नज़र आता है। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके का है नज़ारा। मैं बताना चाहूँगा गाइस, नादिर शाह और आदिल शाह के बारे में बताया जाता है कि ये अपने वक्त में बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत रहे हैं और इन्होंने 200 सालों तक हुकूमत की है। देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा मंजर है यहाँ का। ASI ने यहाँ से जो है मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बुरहानपुर का साथ कर दिया है करना। तो आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं पहला डोम, ये सबसे बड़ा डोम जो आप देख रहे हैं, ये आदिल शाह फारूकी का जो है डोम बताया जाता है। चलेंगे हम आगे, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, ये है रास्ता पूरा जो हमको यहाँ से होकर गुजरना होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि इसके लोकेशन की बात करें तो आप किसी से भी रोशन नगर से कोई ऑटो पकड़ सकते हो। रोशन नगर अगर आप आते हो, खरबूजा मकबरा आप आते हो, खरबूजा महल अगर आप आते हो, ये जो मैंने मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ अगर आप आते हो तो वहाँ से अगर आप ऑटो पकड़ते हो तो सीधे आप शाहबाज कलंदर की मज़ार पर आ जाते हो। वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही ये आपको मकबरे नज़र आएंगे। बुरहानपुर अगर आप आ रहे हो और आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा गाइस, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने बुरहानपुर पर 200 साल हुकूमत की है इनकी नस्लों ने। अगर आपको मैं आसपास का प्रीमाइसेस बताऊं, मैं बात करूंगा मेरे कैमरामैन से, ये आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे तावीज़ात आपको कहीं तौर पे नज़र आएंगे। ये एक तरीके का फारूकी की सल्तनत का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कब्रिस्तान भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे छोटी बड़ी मज़ारें आपको आसानी से नज़र आएंगी। तो हम लोग चलेंगे इसके मेन डोम की तरफ, इस कब्रिस्तान के अंदर बोलिए या फिर इस मकबरे के नज़दीक बोलिए, टोटल जो है दो बड़े डोम्स हैं जिसमें हमको जाना है। सबसे पहले हम चलेंगे बड़े डोम की तरफ। ये जो आप बड़ा डोम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अपने आप में आर्किटेक्ट का एक बेमिसाल नमूना है। देख सकते हैं पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ इसका डोम का साइज आप बाहर से देख सकते हैं, अंदर से देखने की तो बात ही अलग है। इसके झरोके आप देखें, झरोके की बारीकियां देखें, और ये जो बताना चाहूंगा, ये जो झरोके बने हैं ये ब्लैक स्टोन के बने हैं। ये नादिर शाह का मकबरा बताया जाता है गाइस, यहाँ पर इसका जो है पूरा प्लेट लगा हुआ है, ये है नादिर शाह का मकबरा। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ और नादिर शाह के मकबरे को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कर लेंगे पहले हमारे शूज़ रिमूव। मैं बताना चाहूँगा, मकबरा हो, तावीज़ हो, कब्रिस्तान हो, कुछ भी हो, आपको आपके प्रोटोकॉल पूरे करने होते हैं। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, आप इसके प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा लगाइए, करीबन 7 फीट से भी ऊँचा ये प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद यहाँ पर ये मज़ार अकदस बनाई गई है, ये मकबरा बनाया गया है। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा इसकी बारीकियों को बताएं। देख सकते हैं कितनी बारीकी से जो है ब्लैक स्टोन से अंदर इसका काम किया गया है। चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह, देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी क्लीन, क्लियर, साफ़ सुथरा। बीच का जो आप यहाँ पर तावीज़ देख रहे हैं, यही तावीज़ जो है नादिर शाह का बताया जाता है। ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर देखें आप, देखिए कितना वसी, कितना बड़ा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ चलें, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं आपको पूरा राउंड जो है इसका करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किस तरीके का है ये। और यहाँ पर वो आराम फरमा है जिनकी नस्लों ने तकरीबन बुरहानपुर पे 200 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की है गाइस। जी हाँ, मैं हम यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है, मेरा सीना वैसे ही चौड़ा हो चुका है कि मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, मैं ऐसे शख्सियत के मकबरे के नज़दीक मौजूद हूँ
जिसका जिन्होंने जिनके नस्लों ने यहाँ पर 200 साल हुकूमत की है माशाल्लाह से। आप देख पाएंगे इस मकबरे इस मज़ार के यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म पर भी देख पाएंगे आप कितनी बारीकी के साथ में काम किया गया है। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा मकबरे के बाहर से भी आपको इसका व्यू देने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा गाइस कि किस तरीके का है। इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, ये इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, अब यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। नादिर शाह का मकबरा है ये, अति प्राचीन और बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से अनुपातों के बीच बना हुआ प्रसिद्ध मकबरे में से विशेष समता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अलग बहुत ज़्यादा हटके और एक फारूकी सल्तनत की झलक पेश करता हुआ ये मकबरा है। चलेंगे हम बाहर की तरफ, मैं कैमरामैन से कहूँगा बाहर की तरफ आएँ। मैं आपको इसकी एक और खासियत बताता हूँ जो आर्किटेक्ट के अंदर का एक बेमिसाल नमूना है। अब बाहर की तरफ आइए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी एक मज़ारे आपको जो है मकबरा नज़र आएगा जो काफ़ी खूबसूरत है, शायद उनके किसी घर वालों का हो। ये जो आप मेरे हाथ में यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पूरी आप जाली देख रहे हैं गाइस, ये सिंगल स्टोन की हुआ करती थी उस समय और सिंगल स्टोन पर ही काम किया जाता था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डोम पर और इस प्रेमाइसिस में हमें और क्या देखने को मिलेगा हम वो भी देखते हैं। तो चलिए नीचे की तरफ हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ गाइस। हाय गाइस, तो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से हमने नादिर शाह के मकबरे को अभी एक्सप्लोर किया, अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आदिल शाह के मकबरे को। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर भी कुछ मज़ारे आपको नजर आएगी। देख सकते हैं डोम को, आप अंदाज़ा लगाइए डोम की साफ सफाई अभी चल रही है, डोम का काम अभी चल रहा है। वो पुराने वाले डोम से इस डोम के साइज की हम बात करें तो ये डोम थोड़ा छोटा नजर आता है, मगर इसके ऊपर भी आर्किटेक्ट बहुत अच्छा किया गया है। हम लोग चलेंगे आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक जो है मकबरा है, कब्र है। उसके बाद में हम बात करें इसकी बारीकियों की, तो बारीकियों की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी बारीकी यहाँ पर ब्लैक स्टोन बनाई गई है, कितनी प्यारी और कितना साफ तरीके से इसको बनाया गया है। तो हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ। माशाल्लाह। तो देखिए अंदर आते हैं, अंदर जो पहली मज़ार जो ऊंची आपको बुलंद नजर आती है, ये पहला मकबरा जो है, ये मकबरा है शहंशाह जो है आदिल शाह का। जी हाँ, शहंशाह आदिल शाह का इनको आप बोल सकते हो। इन्होंने इनकी नस्लों ने करीबन 200 साल यहाँ का पर हुकूमत की है इनकी नस्लों ने, और इनकी जो है निशानियाँ आप आपको देखने को मिलेगी, ढेर सारी मज़ारात यहाँ पर आपको, ढेर सारे जो है मकबरे आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर की हम बात करें, काफ़ी बारीकी स्ट्रक्चर है इसके ऊपर। इनके मज़ार की बात करें, इनके गलाब की बात करें, तो काफ़ी खूबसूरत गलाब यहाँ पर चढ़ाया गया है। मेंटेनेंस की हम बात करें, आईएसएस की उन्होंने बहुत आईएसए ने बहुत अच्छा काम किया है। ऊपर में डोम आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी खूबसूरत डोम है, काफ़ी खूबसूरत ये स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ भी आएँ, मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँगा। इसकी आर्किटेक्ट को देखें कितना बारीकी काम किया है गाइस, ये देख सकते हैं सिंगल स्टोन में काम किया हुआ है। ये प्रोटेक्शन की वजह से थोड़ा सा जो है ये इसको जो है कवर्ड किया गया है। ये तो देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पर रख दीजिए, ये कवर किया हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत में मुझे लगता है ये है मज़ारा। और ये देखिए काफ़ी प्यारा यहाँ पर चरागा वगैरह किया जाता है, जो है तस्बीह वगैरह की जाती है और अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है, इसी के साथ अल्लाह का जो है जिक्र यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स जो है यहाँ पर लिखी हुई, ये प्लेट यहाँ पर टूट चुकी है फिलहाल, जो है ये आदिल शाह का मकबरा बताया जाता है। तो ये सब कुछ है आदिल शाह और नादिर शाह के मकबरे के प्रीमाइसेस में, जहाँ पर हम लोग अभी आए थे। अब इसको सामने से देख पाएंगे, बहुत प्यारा मंजर है, बहुत प्यारा नज़ारा है जिसको हम लोग अभी कवर कर रहे थे। तो हम लोग चलेंगे अब बाहर की तरफ, ये देख सकते हैं बाहर की तरफ अगर आप गाइस से देखते हैं तो ये काफ़ी इसके अंदर डिटेलिंग में बताया गया है। इसी के साथ एक पूरा कब्रिस्तान रहा है ये फारूक निज़ाम का, उस वक्त के फारूक सल्तनत का ये पूरा जो है कब्रिस्तान रहा है। विजिटर्स की बात करें गाइस, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ होने की वजह से विजिटर्स फिलहाल तो इसके अंदर कम आ रहे हैं, मगर जो आप बात करें भारत सरकार की, तो उम्मीद तो उन्हें यह है कि आने वाले वक्त में टूरिज्म का हब होने वाला है बुरहानपुर, क्योंकि बुरहानपुर के जितने भी साइट्स में घूम रहा हूँ तो धीरे धीरे ही सही मगर वो डेवलप होने शुरू हो गए हैं। ये बात अलग है कि गार्ड्स की कमी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आई, साथ ही साथ गार्ड्स की एज कहीं कहीं जगहों पर गार्ड्स की एज बहुत ज़्यादा है, 60+, 70+, 80+ तक कर गार्ड्स वहाँ पर उन्होंने लगा दिए हैं। जिनको खुद को बॉडी गार्ड की ज़रूरत है ऐसे गार्ड्स बनाकर वहाँ पर रख दिए हैं, जिसकी वजह से टूट फूट या असामाजिक तत्व जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं इससे हमको परेशानी हो सकती है और हमारी हिस्ट्री को थोड़ा सा कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किताबों में पढ़ना या मोबाइल्स में देखने के मुकाबले इसको यहाँ पर आकर छूकर प्रैक्टिकली देखने में एक बहुत अलग मज़ा है। मैंने मेरी बचपन की किताबों में इस मकबरे को देखा था, आज लाइव मैं इसको देख रहा हूँ, ये मेरे लिए एक
बहुत बड़ी बात है। तो गाइज ये सब कुछ था नादिर शाह और आदिल शाह के मकबरे के प्रीमाइसिस के अंदर जो हमने अभी एक्सप्लोर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कोई खास जगह, कोई नई जगह, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।